हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स और जिसमें आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और ये बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं। बायोकैटलिस्ट यानी कि बॉडी के अंदर होने वाली जो रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं, उनकी जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं या उसको कम कर देते हैं। तो इस तरीके से इनका काम क्या है, बायोकैटलिस्ट का काम है। लेकिन ये रिएक्शन के अंदर यूज्ड अप नहीं होते, यानी कि ये खत्म नहीं होते हैं, लास्ट में हमें एंजाइम वापस मिल जाते हैं। तो एंजाइम क्या है, हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं और ये काम करते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट यानी जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं और ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, लेकिन ये रिएक्शन के अंदर यूज अप नहीं होते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमारा एंजाइम है और साथ में ये हमने दिखाए हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मतलब वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि अभिकारक, हिंदी में हम कहेंगे क्रियाधर। तो ये है हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या क्रियाधर। अब एंजाइम क्या करेगा, इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अपने से जोड़ लेगा जिससे कि इनके बीच में रिएक्शन हो पाए और इसके परिणाम स्वरूप बनेगा हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम से जुड़ गए ये मॉलिक्यूल। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, हमारा टेम्परेरी होता है, अनस्टेबल होता है। अब इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो गई, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अलग हो गया और हमें वापस मिल गया। तो इस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन करा रहा है लेकिन बाद में हमें वो वापस मिल गया। अब हम एंजाइम की डिस्कवरी की बात करते हैं कि एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की। तो लगभग 100 साल पहले लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन की प्रोसेस में एंजाइम को डिस्कवर किया था, क्योंकि उन्होंने इसको फर्मेंटेशन की प्रोसेस यानी किण्वन की प्रोसेस के अंदर डिस्कवर किया, इसीलिए उन्होंने इनको नाम दिया फर्मेंट्स। क्या नाम दिया, फर्मेंट्स। इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट हुए थे एडवर्ड बचनर, इन्होंने ईस्ट से एंजाइम को आइसोलेट किया, उसको अलग किया और उसको नाम दिया जाइमेस कॉम्प्लेक्स और एंजाइम नाम दिया था कोने नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंजाइम को एंजाइम नाम दिया। तो इस तरीके से हमने जाना एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, बायोकैटलिस्ट है और इनकी डिस्कवरी की थी लुई पाश्चर ने और इनको नाम दिया था एंजाइम कोने ने। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि किस तरीके से एंजाइम जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करते हैं। यहाँ एक रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में और इस रिएक्शन में बन रहा है हमारा जो प्रोडक्ट है कार्बोनिक एसिड। अगर ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम होती है, यानी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम हमारे पास नहीं है और विदाउट एंजाइम ये रिएक्शन हो रही है, तब हमारे करीब 200 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 आवर। एक घंटे अगर ये रिएक्शन हो रही है तो कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, केवल 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब ये रिएक्शन कराई जाती है एंजाइम की प्रेजेंस में और इसके अंदर जो एंजाइम यूज आता है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, यानी कि उसकी जो गति है उसको बढ़ा देता है। तो गति बढ़ने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें 600,000 मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बोनिक एसिड के पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 600,000 मॉलिक्यूल। और विदाउट एंजाइम कितने बन रहे थे, 200 मॉलिक्यूल्स इन एन आर। एक घंटे के अंदर केवल 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे बिना एंजाइम के। लेकिन अगर हमने ये रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में कराई तो इसकी जो रेट है रिएक्शन का वो मल्टीपल ऑफ टाइम बढ़ गया और कितने मॉलिक्यूल बने, 600,000 मॉलिक्यूल बने
इन अ सेकेंड। तो इस तरीके से जो एंजाइम है, जो हमारे रिएक्शन है, उसको स्पीड अप करते हैं। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारा फास्टेस्ट एंजाइम है। फास्टेस्ट यानी कि ये जो रिएक्शन है उसके रेट को बहुत तेजी के साथ बढ़ाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फास्टेस्ट एंजाइम। अब हम देखते हैं कि एंजाइम किस तरीके से रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। देखिए, जब रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि रिएक्टेंट कह सकते हैं हम, अभिकारक कह सकते हैं। तो इन अभिकारकों के पास कुछ अपनी एनर्जी होती है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या विभव ऊर्जा। और रिएक्शन होने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। तो जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी है, वो एक दूसरे के पास पास आते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन जिनकी एनर्जी कम है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो एंजाइम क्या करता है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको कम कर देता है। कैसे? अब ये हमारे सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल हैं और ये हमारा एंजाइम है। तो फॉर एग्जांपल हम यहां समझ लेते हैं, ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से मॉलिक्यूल? अभिकारक, जो कि क्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। और इनके पास जो एनर्जी है वो अलग अलग है। माना किसी के पास 2 है 3 है 4 है 5 है 6 2 3 4 5, तो इनके पास अलग अलग एनर्जी है। और हम मानते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है इस रिएक्शन के लिए 6 है। तो 6 एनर्जी कितने मॉलिक्यूल के पास है? 1 और 2। तो केवल यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहां पर एंजाइम आ जाता है तो वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है वो क्या करेंगे? एंजाइम से जुड़ जाएंगे। और एंजाइम से जुड़ के क्या होगा? वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और एक दूसरे के पास पास आकर उनके अंदर बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से एंजाइम क्या कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, जो कि रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है, और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है। अगर यहां एंजाइम नहीं होता तो केवल 2 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते और प्रोडक्ट बनता, फिर बाकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाती वो पार्टिसिपेट करते रहते। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है हमें काफी देर बाद मिलता। और यहां मॉलिक्यूल्स यहां आकर एंजाइम से जुड़ गए और जुड़ने के बाद उनके अंदर रिएक्शन हो गई, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है हमें वो जल्दी मिल रहा है। तो यहां एंजाइम ने क्या किया? स्पीड अप कर दिया रिएक्शन को। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। इसे हम एक ग्राफ के साथ समझ लेते हैं। ये हमने टाइम दे दिया कि कितने टाइम में रिएक्शन हो रही है, या रेट दे दिया हमने रिएक्शन का रेट, कि रिएक्शन कितनी दर से हो रही है, मतलब कितने टाइम में पूरी हो रही है। ये है पोटेंशियल एनर्जी जो कि सभी मॉलिक्यूल्स के पास है, और ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो कि चाहिए मॉलिक्यूल को रिएक्शन को होने के लिए। तो जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? ज्यादा है। और जब हमने एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? कम हो गई। तो जब विदाउट एंजाइम रिएक्शन होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? बहुत ज्यादा है। और उसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में, ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो एंजाइम है हमारे काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि एंजाइम की वर्किंग के लिए जो थ्योरी दी गई है कि किस तरीके से एंजाइम हमारे काम करते हैं, तो हम उन थ्योरीज के बारे में जानेंगे। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि डिस्कवरी लुई पाश्चर ने और वर्चनर ने और कोनेन ने की थी। और एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो अब हम देखेंगे जो थ्योरी जुड़ी है
एंजाइम की वर्किंग से। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि किस तरीके से एंजाइम काम करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम एक्ट, वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर एंजाइम काम कर रहे हैं यानी कि हमारे जो अभिकारक हैं, उन्हें हम कहते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसीलिए हम उसको एस से डिनोट करते हैं और हिंदी में बोलते हैं उन्हें क्रियाधार, और उनके बीच में रिएक्शन कराते हैं एंजाइम और उससे क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब एंजाइम कैसे काम करते हैं इसके लिए दो थ्योरी दी गई है। पहली थ्योरी है हमारी लॉक एंड की मैकेनिज्म, जिसे हम कहते हैं ताला चाबी परिकल्पना। ये मैकेनिज्म फिशर नामक साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर एक्टिव साइट्स पाई जाती हैं और उन वो एक्टिव साइट काम करती हैं लॉक का, जैसे ताला ताले का काम करती हैं वो, और जो हमारे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं वो काम करते हैं की का। ये एक्टिव साइट हमारी सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल हैं ये अभिकारक हैं, स्पेशल टाइप के अभिकारकों के लिए स्पेशल हमारी एक्टिव साइट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अभिकारक आकर किसी भी एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा, वो स्पेसिफिक होती है यानी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एक्टिव साइट यानी विशेष विशेष हमारे जो अभिकारक हैं उनके लिए विशेष एक्टिव साइट पाई जाती है। अब ये जो हमारे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं ये फिट हो जाते हैं इन एक्टिव साइट्स में, जैसे कि हमारा ताले के अंदर चाबी लगती है उसी तरीके से ये फिट हो जाते हैं इन एक्टिव साइट्स के अंदर, और जिससे बनता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया यानी कि प्रोडक्ट बन गया। अब ये एंजाइम का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और प्रोडक्ट हमारा अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी ताला चाबी परिकल्पना काम करती है। एंजाइम मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती हैं एक्टिव साइट्स और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उन एक्टिव साइट के अंदर फिट हो जाते हैं, जैसे कि लॉक के अंदर की फिट हो जाती है, इससे बनता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हमारा अनस्टेबल होता है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स में और उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग होने के बाद एंजाइम का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है और ये सबस्ट्रेट अब बन जाते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो एंजाइम हमें बाद में जैसा हमने यूज किया था वैसा का वैसा ही वापस मिल जाता है। दूसरी परिकल्पना है हमारी इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, प्रेरित आसंजन थ्योरी, और ये थ्योरी दी थी कोशलैंड नामक साइंटिस्ट ने। उन्होंने बताया था कि एंजाइम के अंदर दो प्रकार की एक्टिव साइट होती है, एक एक्टिव साइट होती है बट्रेसिंग एक्टिव साइट और दूसरी होती है हमारी कैटेलिटिक एक्टिव साइट। यहाँ हमने शो किया है ग्रीन कलर से, शो किया हमने बट्रेसिंग एक्टिव साइट और ब्लू कलर से शो किया हमने कैटेलिटिक एक्टिव साइट। बट्रेसिंग एक्टिव साइट का काम होता है कि ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर चिपका लेती है, यानी जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है किससे जुड़ते हैं, बट्रेसिंग साइट से जुड़ते हैं। यहाँ ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है ये जुड़ गए हमारे बट्रेसिंग साइट से, इससे क्या बन गया, हमारा ई एस कॉम्प्लेक्स बन गया, ई एस कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया यानी कि जो हमारे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो जुड़ गए बट्रेसिंग साइट से, तब जो एंजाइम का मॉलिक्यूल है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है और शेप चेंज करने के बाद ये कैटेलिटिक साइट आ जाती है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के पास में, ये इसने भी शेप चेंज कर ली और ये जो कैटेलिटिक साइट है पहुंच गई कहां, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के पास में। अब जो कैटेलिटिक साइट है उसका काम होता है कि वो नए बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है और पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर देती है,
तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा S1 और S2 यानी दोनों सबस्ट्रेट के बीच में, और जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएंगे बटरेसिंग साइट से। तो दो काम किए इसने कैटालिटिक साइट ने, पहला काम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कराई और दूसरा काम उनको अलग किया बटरेसिंग साइट से। और अब जो सबस्ट्रेट है वो किसमें चेंज हो गया, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट में चेंज हो गया और जो हमारा एंजाइम का मॉलिक्यूल है वो वापस से अपनी पुरानी वाली शेप के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म थ्योरी है और ये लॉक एंड की मैकेनिज्म है। ये थ्योरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली ये एग्जाम में पूछी जाती है। एक बार और बता देती हूँ मैं इनके बारे में। इंड्यूस्ड फिट सॉरी लॉक की मैकेनिज्म के अंदर एक ही प्रकार की एक्टिव साइट पाई जाती हैं और वो एक्टिव साइट काम कर रही है लॉक का, और उनके अंदर फिट हो जाते हैं हमारे सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो काम करते हैं की तरह, और बन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये हमारा अनस्टेबल होता है और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट अब चेंज किसमें हो गए हैं, प्रोडक्ट में चेंज। थ्योरी किसने दी थी, फिशर ने दी थी। दूसरी थ्योरी हमारी इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म, ये थ्योरी कोशलैंड ने दी थी और उन्होंने बताया था कि एंजाइम के अंदर दो प्रकार की एक्टिव साइट्स होती हैं, पहली है हमारी बटरेसिंग और दूसरी है हमारी कैटालिटिक। बटरेसिंग साइट का काम है कि ये सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को अपने से जोड़ती है, तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बटरेसिंग साइट से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एंजाइम का मॉलिक्यूल अपनी शेप चेंज कर लेगा और जो कैटालिटिक साइट है वो पास में आ जाएगी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के, और कैटालिटिक साइट दो काम करेगी, उनके बीच में बॉन्डिंग कराएगी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच में और उन्हें अलग कर देगी वो बटरेसिंग साइट से। अब जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है उनमें बॉन्डिंग हो गई है तो क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो एंजाइम का मॉलिक्यूल उससे अलग हो जाएगा और वापस से आ जाएगा अपनी पुरानी वाली शेप के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारी दो थ्योरी हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनकी एक्टिविटी को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।